बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और जिनको गुदभ्रंश हो, जो एनस भाग नीचे निकलता हो, उस एनस भाग को नीचे निकलने के लिए गुदभ्रंश जैसे रोग के लिए भी 4-5 ग्राम गेंदे की पत्तियों को पीस करके थोड़े मिश्री मिला करके उस पानी को और डेली सुबह सुबह खाली पेट पिए, इससे जो गुदभ्रंश की जो बीमारी है, आपको जो बवासीर की जो समस्या है, उस रोग में भी आपको इससे मिलेगी मुक्ति। तो गुदभ्रंश में और बवासीर जैसे भयानक रोग में भी, बवासीर में भी यह अत्यंत कारगर है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बवासीर के रोग के लिए आपको एक काम और करना है, वो ये है कि आप इसकी पत्तियों को 3-4-5 ग्राम पत्ती आप ले लें और 3-4 काली मिर्च ले लें। काली मिर्च और गेंदे के पत्तियां जो पाइल्स के रोगी हैं, जो बवासीर के रोगी हैं, जिनको भयानक पीड़ा है, मस्सा फूले हुए हैं, वो लोग सुन लें, ये बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तो गेंदे के पत्तियां 5 ग्राम गेंदे की पत्तियां और 3-4 काली मिर्च दोनों को पीस लें। पीस करके उसका थोड़ा सा रस निकालें और 4-5 चम्मच रस प्रातः खाली पेट नियमित रूप से पिएं। इसी तरह से इसको आप सायंकाल भी पी सकते हैं। तो दोनों ही समय, प्रातः और सायंकाल दोनों ही समय आप इसको पिएंगे तो आप देखेंगे आपकी मुक्ति होगी बवासीर से और बवासीर जैसे भयानक रोग की पीड़ा से। तो इतना सरल यह सुगंधित यह सुंदर पुष्प के द्वारा आप पीड़ादायक और भयानक अशांति को देने वाले ऐसे जटिल और इतनी भयानक पीड़ा को, इतने भयानक रोग को कर सकेंगे मुक्त। वास्तव में यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है बवासीर के लिए। मेरे भाई, मेरे देशवासी, जो आज गांव में ही नहीं शहरों में भी महामारी की तरह से एक पीड़ादायक जो व्याधि है वह फैली हुई है और हमारे घर में, हमारे आंगन में उसकी इतनी सुंदर औषध है, इतनी सुंदर दवाई है, फिर भी हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पीड़ा से पीड़ित होते ही जा रहे हैं। तो आइए अब हम इस गेंदे के पत्तों के रस और काली मिर्च के प्रयोग के द्वारा अपनी बवासीर को ठीक करें, योगासन प्राणायाम के द्वारा अपने आप को सुंदर बनाएं। वास्तव में यह एक बहुत ही अच्छा यह पौधा है